हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम गेज एवं बेयरिंग के 20 प्लस को ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम देने जाते हो तो उसके लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप कोई भी ट्रेड के स्टूडेंट हो, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, तीनों ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 20 प्लस क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। सो गाइज, मेरे आंसर देने से पहले आप कोशिश करिए कि आप खुद आंसर दे सको। आपने थंबनेल पर देखा है कि 20 प्लस क्वेश्चंस में अगर आप 15 क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है, सो आई होप कि आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को बना पाओगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ऐसी और वीडियो देखने के लिए एंड गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए, विच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है, थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। यहाँ पर ऑप्शन आप देख लेते हैं, नाइलॉन दिया है, टेफ्लॉन दिया है, सिंटेड अलॉय दिया है, लेमिनेटेड फेनोलेक्स दिया है। एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बियरिंग चैप्टर में से एक क्वेश्चन कई गवर्नमेंट एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, लेमिनेटेड फेनोलेक्स। जो लेमिनेटेड फेनोलेक्स जो मटेरियल होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी इसमें बहुत कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ बासर, इस बासर का नाम बताइए। यहाँ पर आपको एक बासर शो हो रहा है, इस बासर का आपको नाम बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, इंटरनल टाइप बासर, एक्सटर्नल टाइप बासर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप बासर, काउंटर सिंक बासर। तो अगर आपको ए वाला जो भाग है यहाँ पर आपका ये मतलब टीथ नहीं कटे होते तो आपका हो जाता एक्सटर्नल बासर, और अगर आपके बाहर टीथ नहीं कटे हुए तो हो जाता इंटरनल बासर। बट यहाँ पर दोनों दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा आंतरिक और बाहरी बासर, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डीप ग्रूव्स टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या होता है। जो हमारी बॉल बियरिंग जो होती है उसमें जो रेसेस जो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं उन गहरे रेसेस का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिए दिए जा रहे हैं। झटके झेलने के लिए ऑप्शन नंबर बी, जनरल लोड लेने के लिए, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए, रेडियल लोड का सामना करने के लिए। तो जो हमारे बॉल के जो डीप रेसेस, गहरे रेसेस जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं टू विथ स्टैंड एक्जियल थ्रस्ट, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर हम देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। विच अलॉइंग मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी, उच्च तापमान और उच्च भार बहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है। तो आपको खुद अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितने इम्पोर्टेंट एंड कितने यूनिक क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही हम पीडीएम में डेली के डेली 20 प्लस यूनिक क्वेश्चंस चैप्टर बाय डिस्कस करेंगे। सो वीडियो और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उच्च तापमान और उच्च भार बहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा मिश्र धातु कार्य कर सकता है, देख ली तो ऑप्शन बोला जा रहा है कास्ट आयरन, व्हाइट मेटल, कॉपर, सीसम, मिश्र धातु, कैडमियम आधारित मिश्र धातु। जो हमारी कैडमियम आधारित मिश्र धातु है ये हमारी उच्च तापमान और उच्च भार पर यहाँ पर कार्य कर सकता है। अगर जहाँ पर उच्च तापमान उच्च भार की आवश्यकता होती है वहाँ पर बियरिंग प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर कैडमियम आधारित मिश्र धातु की बेरिंग को प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव में यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव हम देखेंगे। वह द डबल रो रोलर बेरिंग इज यूज, डबल रो रोलर बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमको दिए जा रहे हैं। अक्षीय भार लेने के लिए, रेडियल लोड लेने के लिए, भारी अक्षीय लोड लेने के लिए, भारी रेडियल लोड लेने के लिए। तो चार ऑप्शंस आपके लिए दिए जा रहे हैं और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी रेडियल लोड लेने के लिए।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कोटिंग, इस धातु कोटिंग की विधि क्या है। ये आपने देखी होगी कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब करते हैं तो हमारा एक साइड एनोड होता है, एक साइड कैथोड होता है, और हमारा जो जॉब पर हम किसी धातु पर चढ़ाते हैं उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो वही क्रिया यहाँ पर दर्शाई गई, इसी का नाम पूछा गया, तो डी ऑप्शन हमको मिल जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का क्या उद्देश्य देख लेते हैं, अक्षीय लोड लेने के लिए या रेडियल लोड लेने के लिए, अक्षीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए या वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने के लिए। जो हमारी थ्रस्ट बॉल बेयरिंग होती है वो कुछ इस टाइप की यहाँ पर लगी होती है, ये हमारी शाफ्ट हो जाएगी, ये हमारी बेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेती है हमारी बेयरिंग, तो यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने के लिए। 8 नंबर में यहाँ पर बोला जा रहा है विच मेटल इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू द मेटल सरफेस टू रजिस्ट कोरोजन फॉर लॉन्ग पीरियड एंड टू रिटेन हाई पॉलिश, लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लगा देंगे एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं वहाँ पर हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच मेटल प्रोटेक्ट कोरोजन रेजिस्टेंस एंड डज नॉट क्रैक और पील ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑन कोटिंग, कौन सी धातु संचरण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो जिंक हमारा होता है ये हमारे कोरोजन यानी कि संचरण प्रतिरोधी भी होती है, ये हमारे जंग से किसी धातु को बचाने में सहायता करती है और तापमान भिन्नता के कारण इसमें दरार या छीलन नहीं होती, इसलिए हम जिंक का उपयोग करते हैं किसी भी धातु पर कोटिंग करने के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बोला जा रहा है विच बेयरिंग मटेरियल इज यूज इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स, कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्हाइट मेटल, सिंटेड अलॉय, सिंटेड मिस धातु, कॉपर लीड मिस धातु। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, कनेक्टिंग रॉड इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर आपकी नॉलेज के लिए भी हो सकता है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं उनमें जो बेयरिंग प्रयोग की जाती है वो कौन सी धातु की बनाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉपर लीड मिस धातु डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ मेटल कोटेड विथ अदर मेटल टू ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस, रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लेडिंग, गैल्वेनाइजिंग, सीमेंटेंस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है वो लेपिंग धातु के संचालन है, यानी कि रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के लेपित धातु के, जो हमारे यानी कि हम किसी धातु को जंग से बचाना चाहते हैं और उस पर किसी एक दूसरी धातु की हम किसी धातु पर परत को चढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक कुछ ऐसी यहाँ पर डेफिनेशन दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एज एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, यहाँ पर हमको क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शंस के हिसाब से क्या हमको दिया जा रहा है। यहाँ पर बॉल केस है या इनर रेस है या आउटर रेस है, इनर रेस और आउटर रेस तो हो नहीं सकता, ना ही बॉल केस हो सकता। बॉल सेपरेटिंग गेज यहाँ पर दिया गया है, बॉल सेपरेटिंग गेज, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये आपका जो यहाँ पर दिख रहा है ये बॉल सेपरेटिंग गेज इसे बोलते हैं, तो बॉल सेपरेटिंग गेज आपका एक्स के रूप में चिन्हित हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम डी इज द राइट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं विच मेटल पाउडर इज यूज्ड इन क्लोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट करोजन, जंग को रोकने के लिए क्लोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो हाँ वहाँ पर हम करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर का, किसका करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है विच बेयरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोड एंड लो स्पीड एप्लीकेशन, लाइट लोड और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, यहाँ पर लाइट लोड और कम गति के लिए कास्ट आयरन, एक्टिन कास्ट या कैडमियम अधर्मिश्र धातु या कॉपर और लेड मिश्र धातु, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कास्ट आयरन, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कास्ट आयरन, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है वट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमाइजिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ करोजन, जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या होता है, आवश्यक तापमान हमारा जो होता है वो 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन, किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है, भाई हमारा होता है निकल में, निकल में केमिकल रिएक्शन होने का अधिक हाई रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध होता है निकल धातु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का देखेंगे, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है, ए नंबर बोला गया, ऑप्शन दिया गया है, कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, क्षितिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकता, हमारा जो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग होता है वो केवल वर्टिकल लोड ही ले सकता है, यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, बिल्कुल सही है, क्षितिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकता, यहाँ पर थ्रस्ट लोड ले सकता है, तो यहाँ पर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नुकसान क्या है ये पूछा जा रहा है कि नुकसान क्या, तो क्षितिज एंड थ्रस्ट लोड नहीं ले सकता है, दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकता है, किसी उधर थ्रस्ट भार को नहीं ले सकता, तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, इस बियरिंग का नाम बताइए, तो आपके लिए यहाँ पर एक बियरिंग दर्शाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस बियरिंग का आपको नाम बताना है, तो हमारे यहाँ पर बुश बियरिंग दिखाई गई, आपने अपनी रॉयल की थ्योरी या निमी की थ्योरी अगर आपने रीड की है तो वहाँ पर आपको वो फिगर देखने को मिला होगा बुश बियरिंग में, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बुश बियरिंग को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का हम देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है 19 नंबर में, यहाँ पर बोला जा रहा है विच टाइप ऑफ बेयरिंग यूज फॉर वेरी हैवी रेडियल लोड, किस प्रकार का बेयरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर हमारे डबल रो रोलर बेयरिंग का प्रयोग, डबल रो रोलर बेयरिंग का प्रयोग हैवी लोड के लिए किया जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आ रहा है, क्वेश्चन थोड़े से भी अच्छे पसंद आ रहे हैं और यूनिक लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द बेयरिंग, बेयरिंग में किस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स के रूप में यहाँ पर हमारा केज, बॉल केज यहाँ पर दर्शाया गया है, तो बी में हमारे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रोलिंग एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पर दिया गया बाहरी दौड़ यानी आउटर रेस, बॉल केज भीतर की दौड़, इनर रेस रोलिंग तत्व, हमारा यहाँ पर हम कहेंगे एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है वो हमको रोलिंग एलिमेंट यहाँ पर डी ऑप्शन मिल जाता है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है विच टाइप ऑफ बेयरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेयरिंग धातु में स्वयं से स्नेक होता है, यहाँ पर हमको मिल जाता है सिंटेड एलो, जो सिंटेड एलो जो मेटल होता है वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग मेटल होता है सिंटेड एलो, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, सिंटेड एलो और एक दो मेटल और होते हैं जो कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग मेटल होते हैं, अगर सिंटेड एलो से बेयरिंग बनी होती तो उस बेयरिंग को कहेंगे सेल्फ लुब्रिकेटर बेयरिंग, बीच द राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बीच बेयरिंग इज यूज इन द लिमिटेड स्पेस, सीमित जगहों में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए भाषा थोड़ा आपके लिए जो लैंग्वेज जो घुमाई गई है आपके लिए, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपने इस बियरिंग जैसे कि नीडल बियरिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, नीडल बियरिंग आपने बहुत पहले पढ़ चुके हो कि नीडल जो मतलब बहुत सक्रिय बहुत बारीक होती है हमारी नीडल बियरिंग, तो सक्रिय स्थानों में ये भी बोला सक्रिय स्थानों में सीमित जगहों में किस बियरिंग, तो नीडल बियरिंग हम यूज करेंगे, सक्रिय स्थानों में या सीमित जगहों में हम नीडल बियरिंग का यूज करेंगे, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 22 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उन सबको भी नॉलेजेबल वीडियो मिल सके, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको हमारे चैनल पर सभी गवर्नमेंट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल जॉब्स के अपडेट सबसे पहले मिलते रहते हैं, सो हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हो और हमारे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पा सकते हो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।